लगभग 3000 के करीब वीडियो और विक्टिम्स लगभग 1000 है। इन्होंने एक बेटी के साथ बलात्कार सेक्सुअल हरासमेंट किया, लेकिन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक नहीं 1000 से अधिक, उसमें गरीब महिलाएं हैं जो मदद लेने के लिए गई, लोकल बॉडीज की चुनी हुई महिलाएं हैं जो सांसद के पास किसी मदद के लिए गई, बुजुर्ग महिलाएं गई कि उनके दादाजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उनके घर चलकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आते हैं तो कैसे डर और खौफ होगा हासन के सांसद जो अभी संयुक्त उम्मीदवार भी है, जो देश छोड़कर पता चल रहा है भाग चुके, कैसे डर होगा। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details. 10 January ko maine Bharatiya Rashtriya Mahila Congress ki Rashtriya Adhyaksh ki padbhar ki zimmedari sambhali, 10 January 2024 ko. पिछले 110 दिनों में मैंने 25 राज्यों के दौरे किए हैं, 50 से अधिक नारी न्याय सम्मेलन किए, हजारों महिलाओं से देश में मैं मिली हूं, लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है कि हर राज्य में महिलाओं ने अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की बात कही, लेकिन कर्नाटक की धरती पर हासन से JDS के सांसद जो भाजपा के अभी संयुक्त उम्मीदवार हैं प्रज्वल रेवन्ना, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, महिला अपराध के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कांग्रेस पर परिवारवाद कह कह के हमला कर रहे हैं, परिवारवाद, तीन तीन पीढ़ियां, और दूसरा नारा है बेटी बचाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इन दोनों नारों की पोल हमारा यहां पर ये परिवारवाद, ये है मोदी जी का परिवार, ये मोदी जी का परिवार है, इसमें भाजपा के विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी, उम्र कैद की सजा। मोदी जी के परिवार में शामिल है राम दुलारे, उत्तर प्रदेश से भाजपा के विधायक, नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी, उम्र कैद की सजा। इसमें मोदी जी के परिवार में शामिल है बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं लेकिन चुनावी मैदान में खड़े और बेटियां न्याय मांग रही हैं, और इस मोदी जी के परिवार में गंभीर बलात्कार, इसमें संदीप सिंह भी दिख रहे होंगे, हरियाणा के मिनिस्टर हैं, गंभीर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप में FIR है लेकिन एक्शन नहीं है। ये मोदी जी के परिवार में आज ब्रजभूषण शरण, राम दुलारे, संदीप सिंह, ब्रजभूषण शरण के साथ साथ हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना का नाम भी जुड़ गया है। इन्होंने एक बेटी के साथ बलात्कार सेक्सुअल हरासमेंट किया, लेकिन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक नहीं 1000 से अधिक हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ गलत काम किया है। परिवारवाद के आरोप कांग्रेस पे लगते हैं, तीन तीन पीढ़ियां, यहां देखिए कितनी पीढ़ियां हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके पुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री, नाम आप सब जानते हैं, उनके भाई विधायक है और उनके विधायक भाई का बेटा तीसरी पीढ़ी सांसद है, ये तीन पीढ़ियों का साथ
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और भाषण देते हैं, बेटी बचाओ और परिवारवाद, यह है इनका परिवार और यह है बेटी बचाओ के नारे के दाव और खोखले दावों को खोलते हुए। मैं कल छत्तीसगढ़ में थी, देश के हर कोने में ये जो हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना कांड की चर्चा हो रही है, पूरा देश शर्मसार हो रहा है। हम धन्यवाद करते हैं स्टेट विमेन कमीशन चेयरपर्सन का कि आपने इस मामले को संज्ञान में लिया, मुख्यमंत्री को लिखा, और हम धन्यवाद करते हैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि आपने बिना समय गवाए SIT का गठन कर दिया है। अब हम मुख्यमंत्री जी से महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते अपील करते हैं कि इस SIT को फास्ट ट्रैक पे लाया जाए। सुनने में आ रहा है ये अपराध करने वाला देश छोड़कर भाग गया है, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार का रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो आर्थिक अपराधी हो, इकोनॉमिक अपराधी हो, या किसी भी अपराधी को देश छोड़कर भाग जाने में मदद करने में केंद्र की भाजपा सरकार का हमेशा हाथ रहा है। पासपोर्ट जब्त किए जा सकते थे और ये खबर हम लोगों को पिछले हफ्ते ही लगी जब भाजपा के नेता ने वहां से पूर्व विधायक हैं रहे पूर्व विधायक देवराजे गौड़ा, उन्होंने पत्र लिखा भाजपा के अपने अध्यक्ष को 8 दिसंबर 2023 को। इस पूरे पत्र की कॉपियां आपको पहले से मिल चुकी हैं, यानी कि इस पूरे मामले की खबर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को थी, JDS से गठबंधन करने से पहले से थी। अमित शाह जी भी यहां पर आए, नड्डा जी भी यहां पर आए, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए और उन्हें सब जानकारी थी इन चीजों की। लेकिन क्या किया आपने? आपने कर्नाटक की हजारों बेटियों के साथ गलत काम जो हुआ है उसके खिलाफ अभी तक आप सब खामोश हैं। प्रधानमंत्री जी, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री हो, वर्तमान प्रेजेंट प्रधानमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो कर्नाटका के, पूर्व विधायक हो स्मृति ईरानी जी हो, नेशनल वुमेन कमीशन चेयरपर्सन हो, अभी तक किसी एक की भी आवाज इस मामले में सुनाई देते हुए नहीं दिखती। खुशबू सुंदरम जी भी कहां लापता हैं आप? मामला छोटा लगता है आपको, आपको लगता है इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं, स्मृति ईरानी जी महिला बाल विकास मंत्री है ना, नहीं आपको महसूस होता कि इसमें आपको बोलना चाहिए? ये एक और कॉपी है, ये मामला जो है 2 जून 2023 पिछले साल का, तब ये मामला सामने आ चुका था। कहीं ना कहीं डर था, जिन पे आरोप लग रहे हैं गंभीर हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर, कि ये जो वीडियोस हैं ये पब्लिक में आ जाएंगे, इसलिए से रोकने के लिए कि कहीं मीडिया में, पब्लिक डोमेन में अगर ये आ भी जाए, किसी के हाथ लग जाए, तो इसको मीडिया पर, सोशल मीडिया पर फैलाया ना जाए, उसको रोक के लिए ये आदेश कोर्ट से लेकर आए। ये सब चल रहा था, आप पूछेंगे हमारी जानकारी में, लेकिन प्रेस वार्ता की थी देवेगौड़ा जी ने, मुझे मालूम है 10 जनवरी को मैंने शपथ ली थी, तो 11 जनवरी को भाजपा के विधायक देवराजे गौड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीजों के बारे में भाजपा नेतृत्व को बताया था। लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी लगा कि पार्टी का अंदरूनी कोई बात है, सबूत नहीं है, एक नेता ने प्रेस वार्ता कर दी है, सबूत नहीं थे इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही पता लगा, लगभग 3000 के करीब वीडियो और विक्टिम्स लगभग 1000 है, उसमें
गरीब महिलाएं हैं जो मदद लेने के लिए गए, लोकल बॉडीज की चुनी हुई महिलाएं हैं जो सांसद के पास किसी मदद के लिए गई, बुजुर्ग महिलाएं गई, बल्कि आप देखिए हवस या सत्ता का नशा कि उनके दादाजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उनके ताया या चाचा कहूं मालूम नहीं है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर चलकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आते हैं तो कैसे डर और खौफ होगा हासन के सांसद जो अभी संयुक्त उम्मीदवार भी हैं, जो देश छोड़कर पता चल रहा है भाग चुके, कैसे डर होगा, क्योंकि इनके समर्थन में देखिए पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और खुद सांसद हैं, खड़े हैं, डर नहीं है। हम अपील करना चाहते हैं, 1000 के करीब वीडियो सामने आए हैं, SIT उसकी जांच करेगी, एक पीड़िता सामने आई है उसने FIR करवा दी है, हम बाकी पीड़ित विक्टिम्स को अपील करते हैं जितनी भी विक्टिम्स हैं हम उनकी जानकारी को कानून के मुताबिक SIT हो, स्टेट वुमेन कमीशन हो, पूरी तरह से उनकी जानकारी को सीक्रेट गुप्त रखा जाएगा और मैं उन्हें विश्वास दिला रही हूं उनके साथ न्याय होगा, इसलिए मैं अपील करती हूं उन सभी विक्टिम्स से सामने आइए, आगे आइए, थाने आपके लिए खुले हुए हैं, जाइए अपनी FIR करवाइए, ऑनलाइन FIR करा सकती हैं आप, आपको थाने जाने की जरूरत नहीं, आप 0 FIR करा सकती हैं देश के किसी कोने में भी, वो विक्टिम आज अगर है जिनकी संख्या 1000 है आप देश के किसी कोने से 0 FIR कराइए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस SIT से देश में महिला अपराध के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है, कैसे तुरंत कार्रवाई होती है, कैसे न्याय मिलता है और अपराधी पूरी पृथ्वी के भी किसी कोने पर भी छुपा होगा, ये विश्वास दिलाती हूं। मुख्यमंत्री जी सबसे बात हुई है, पूरी ताकत लगा देंगे, गर्दन से पकड़कर जर्मनी में बैठे हों या विश्व के किसी कोने पर बैठे हों उन्हें यहां पर लाया जाएगा, सख्त से सख्त सजा, क्योंकि यहां पर यह भी सुनने को आ रहा है कि विक्टिम्स को न्याय नहीं मिलते हुए दिखने पर कुछ विक्टिम्स ने सुसाइड करने की कोशिश भी की है, यहां तक खबर है इंटरनल कि हमारी जो नाबालिग बेटियां हैं उनके साथ भी अपराध हुआ है और अपराधी को भूलना नहीं चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पोक्सो कानून के तहत नाबालिग बेटियों के साथ जघन्य अपराध करने वालों को फांसी की सजा होती है, यह अपने आप में देश का पहला मामला होगा और मुझे इस बात की गर्व होगा कि यह कर्नाटक की सरकार करके दिखाएगी कि अपराधी कितना भी रसूख वाला हो, उसके पीछे कितनी बड़ी सत्ता की ताकत हो, बेटियां आम परिवार से हो लेकिन अपराध हुआ है तो सजा अपराधी को मिलेगी और वो सख्त से सख्त सजा सिटिंग सांसद को हो, ये और भी जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अपराध देश में मैंने जैसे कहा 25 राज्य लगभग होकर आ रहे हों, महिलाओं के प्रति अपराध, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अत्याचार बढ़ चुके हैं, न्याय नहीं मिल रहा है भाजपा की खास तौर से डबल इंजन की सरकारों में, कारण क्या है, हमने कारण जानना चाहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार, बेटी बचाओ का नारा, अपराध बढ़ रहा है, न्याय क्यों नहीं है, समझ आया, न्याय इसलिए नहीं है क्योंकि अपराध करने वाला या तो सत्ता में भागीदारी है, या तो वो विधायक है, या वो सांसद है, या वो संदीप सिंह की तरह मंत्री है, या तो अपराधी सत्ता में भागीदारी है और या फिर सत्ता का संरक्षण, प्रोटेक्शन उन्हें मिल रहा है, ये दो कारण है, दो रीजन है जिसकी वजह से न्याय नहीं हो रहा है।
मैं यहाँ पर आपके साथ इंग्लिश की पूरी प्रेस रिलीज जो मैंने बात हिंदी में की इंग्लिश की रिलीज दूंगी और हम लोग आपकी क्षेत्रीय भाषा में भी इस बात को रखना चाहते हैं। कारण इसलिए क्योंकि 1000 हमारी जो विक्टिम्स बहने हैं बेटियां हैं उन तक हमारी अपील हर भाषा में पहुंच पाए कि अब इंतजार खत्म है आपका और आपकी लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक आपको न्याय का हक नहीं मिल जाता है। हम खुद भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार है यहां पर बेटियों के लिए जितना कर सकते हैं हम उससे अधिक करने की कोशिश करेंगे। 2000 रुपए आर्थिक मदद देकर महंगाई से लड़ने के लिए उन्हें हम मदद कर रहे हैं। बसों के अंदर सुनने में आया हर महिला के लिए यात्रा पूरी से तरह से मुफ्त की हुई है लेकिन हम ये भी चाहते हैं उसके आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ आर्थिक मदद और इसलिए जो सुविधाएं हम दे रहे हैं उसके साथ साथ हम कर्नाटक की धरती को अपनी बेटियों के लिए सुरक्षित भी बना पाए। एक आम अपराधी और एक खास अपराधी सत्ता में बैठे अपराधी में अंतर होता है। आम अपराधी के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं होती मामले लंबे चलते हैं पर सजाएं होती हैं लेकिन खास अपराधी जो सांसद हो जिसके पीछे पूरी ताकत हो उसकी लड़ाई को मिलकर लड़ना पड़ता है और हम इसको लड़ेंगे। मैं सिर्फ यही कह रही हूं प्रधानमंत्री जी देश भर में जाकर बेटियों की बात कर रहे हैं लेकिन कर्नाटका के इस मामले में खामोश हैं। गृह मंत्री जी खामोश हैं, देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी खामोश हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की हम अध्यक्ष से को आमंत्रित करते हैं आइए आइए हासन आइए कर्नाटका में खोजिए उन 1000 बेटियों को लीजिए उनके बयान और दिलाइए उन्हें न्याय। दुख की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन सांसद के इन करतूतों के बारे में जघन्य अपराध के बारे में जानकारी थी। भाजपा के पूर्व विधायक हासन से विजेंद्र जी ने इसका विरोध भी किया लेकिन मोदी जी ने सब चीजों को साइड पर रखते हुए उन्हें टिकट दिया। हम देखना चाहते हैं कि आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा जी कुछ बोलते हैं या अपनी चुप्पी से समर्थन करते रहेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे अपील करते हैं आइए और बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि आप पूरी तरह से अपराध और अपराधी को समर्थन दे रहे हैं। हम पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी जी बहुत बेटी और महिलाओं के बात करके हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार पर हमला करते हैं लेकिन इस मामले पर वो पूरी तरह से चुप बैठे हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस इस मुद्दे को देश के कोने कोने तक लेकर जाएगी और भाजपा के बेटी बचाओ के नारे को बेनकाब करेगी। सच तो यही है कि देश के अंदर चुनाव चल रहा है, पहले दूसरे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, थर्ड फेज का इलेक्शन 7 मई को होना है। भाजपा बुरी तरह से हार रही है, खास तौर से दक्षिण भारत भाजपा मुक्त होने जा रहा है। पहले चरण में तमिलनाडु की 40 सीटें हो पांडिचेरी मिलाकर, दूसरे चरण में फेस में केरला की 20 लोकसभाएं हो या अब तीसरे चरण में कर्नाटक की बाकी सीटों का चुनाव, महिलाएं भाजपा के खिलाफ वोट कर रही हैं। हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि कर्नाटक की धरती को सत्ता में बैठे लोगों ने शर्मसार किया है, कर्नाटक की बेटी के गिरेबान में हाथ डाला है। इतना ही नहीं, उनके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, डराया गया और अपना आज हजारों वीडियो सामने आए हुए। 5 साल के सांसद ने क्या काम किए हैं कोई काम नहीं बता पा रहे लेकिन एक काम है जो कांड के रूप में सामने आया है। महिला कांग्रेस इसे हल्के में नहीं लेगी। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की लगातार नजर
हमारी स्टेट वुमेन कमीशन, सरकार से संपर्क में रहते हुए एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़े। हम पल पल की इसकी हर कदम पर रिपोर्ट लेते रहेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि सरकार और विदेश मंत्री को पत्र लिखे, ये हमारा सुझाव है कि मुख्यमंत्री जी विदेश मंत्री को तुरंत पत्र लिखिए कि वो जर्मनी की सरकार को लिखे और तुरंत इस अपराधी को पकड़कर देश वापस भेजने में हमारी मदद करे। अब देखना ये होगा कि विदेश मंत्री इस पत्र के ऊपर कार्रवाई करते हैं या वो भी चुप रह जाते हैं। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ। ये पूरा आंदोलन कर्नाटक की धरती पर तब तक होगा जब तक हर विक्टिम सामने नहीं आ जाती, क्योंकि हमने उनसे अपील कर की है आपके माध्यम से, आइए सामने, हम आपको न्याय दिलाएंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे और हम अपराधी को सलाखों के पीछे भेज के सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द एसआईटी के गठन के बाद देंगे। ये हमारा उन सभी हमारी बहनों को, विक्टिम्स को विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। सौम्य रेड्डी और तमन उदेश सोमिया जी अपनी बात को रखिए, हम एक फोटो ऑफ कर रहे हैं। मोदी का परिवार प्लीज Thank you. This video presented by Al Sharae PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharae PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharae BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharae Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open. Contact for details.